वेलकम स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर दिया हुआ है पास्कल का नियम, यानी कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं या फिर किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव जो है उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम दाब कहते हैं, और ये जो फोर्स होता है ये उसके चारों ओर इक्वली पार्ट में लगता है। सामने दिया हुआ है कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं, यानी कि जो इसके दो पार्टिकल हैं सी और डी, इन पर द्रव के द्वारा जो फोर्स लगाया हुआ है वो क्या होता है, समान मात्रा में होता है, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2। और यदि हम सी पर जो डी इसके सपाट पृष्ठ हैं, यदि इन पर दाब P1 और P2 हो तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, A होता है। तो द्रव का जो सूत्र होता है दाब का वो होता है दाब बराबर क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल। तो वहाँ से बल हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, यानी कि F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A, और F2 जेड को हो जाएगा P2 इंटू A। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दाब क्या है हमारा, समान है जो फोर्स है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इक्वल होगी, तो P1 इज इक्वल टू P2, और इसी ही क्या होता है पास्कल के नियम कहते हैं, और यही उसका क्या होता है, प्रूफ होता है। आगे आते हैं इसके पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, कि उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, यानी कि पास्कल के नियम को कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। पहला पॉइंट दिया हुआ आपका द्रव चालित लिफ्ट, मींस हाइड्रोलिक लिफ्ट। स्टूडेंट देखिए, जिस डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इस डायग्राम में दो पिलर हैं, एक पिलर ये है एक पिलर ये है। तो ये जो आपका पिलर है, इस पिलर का एरिया है A1, और जो दूसरा पिलर है उसका एरिया है A2, और ये दोनों ही पिलर एक पाइप से जुड़े हुए हैं। तो जब इस पिस्टन पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके पर यूनिट क्षेत्रफल पर एक दाब लगता है, और वो दाब होता है P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब पास्कल ने क्या कहा था कि जब भी द्रव दाब के द्वारा कोई फोर्स दाब अप्लाई होता है तो वो सभी दिशाओं में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो यहाँ से जो दाब अप्लाई हुआ वो यहाँ से इस पाइप से होते हुए कहा था इस बड़े सिलेंडर बी में एंटर कर जाता है। जब ये एंटर कर जाता है तो ये फोर्स जब अप्लाई हो रहा है द्रव, दाब किस पड़ता है, इस प्लेट A2 पर पड़ता है, जिसमें फोर्स कहा जाता है ऊपर की ओर, जिसके द्वारा हम भारी से भारी गाड़ी को इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उठा सकते हैं। तो सिंपल से जब इसमें एक प्रेशर अप्लाई हुआ था P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब पास्कल के थ्रू ये जो दोनों दाब हैं क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये P इज इक्वल टू, ये P है, तो F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, और F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F2। अब यहाँ पर देखिए, जो एरिया है, जो इस बड़े सिलेंडर का जो पिस्टन का एरिया है वो क्या है, इससे बड़ा है, तो A1 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये वैल्यू कैपिटल में बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, F2 ग्रेटर देन F1, यानी कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया था वही फोर्स क्या हो जाएगा आपका, दूसरी ओर ट्रांसफर हो जाएगा, और जहां पर फोर्स कम था वो ज्यादा फोर्स यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है आपका द्रव चालित लिफ्ट और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या है दिया हुआ है, चूंकि A2 ग्रेटर देन A1, हेंस F2 ग्रेटर देन F1। तो ये है आपकी द्रव चालित लिफ्ट, और एक आता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स, यानी कि द्रव चालित ब्रेक। अब देखिए, द्रव चालित ब्रेक, अब इसका क्या यूज है, इसको गाड़ियों के पहियों में लगाया जाता है जो इसमें एक ब्रेक का अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए रचना, इसमें क्या होता है, एक मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर बेलन M होता है, जिसमें क्या होता है, एक ऑयल भरा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है P, ठीक है। और इसके बाद एक जो लीवर है, ये लीवर के द्वारा क्या होता है, ये ब्रेक पैंडल से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर कहाँ पड़ता है, इस
ऑयल पर पड़ता है, और जब ये प्रेशर पर ऑयल पड़ता है तो ये इस नली के द्वारा कहाँ पहुँचता है, इन दो पिस्टन P2 और R के बीच में पहुँचता है, या इनके बीच में पहुँचता है जो ऑयल है, ये इन दोनों पिस्टन पर क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है, और ये दोनों पिस्टन इस पहियों से लगे ब्रेक शू से जुड़े हुए होते हैं। तो सिंपल से क्या, जो हमने फोर्स यहाँ से अप्लाई किया था, हमने यहाँ से हल्का सा फोर्स अप्लाई किया F1, तो वो इस P1 के लिए कुछ वर्क किया, और इस पिस्टन P पर जो वर्क किया तो ये क्या हुआ, यहाँ से फोर्स पास्कल के अकॉर्डिंग आगे ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद ये दूसरे पहिये में निकल गया, और यहाँ से जब ये इस पिस्टन में आता है, इस पॉइंट सी पर आता है, तो इस पॉइंट सी पर भी क्या है, आपके दो पिस्टन लगी हुई हैं जो कि आपके ब्रेक शू से कनेक्टेड हैं। तो जब हमने क्या किया, ये फोर्स अप्लाई हुआ तो ये ब्रेक शू के जो लेदर पैड होते हैं ये पहियों के रिम से चिपक जाते हैं, और क्या होता है, गाड़ी हमारी रुक जाती है। तो ये किसका वर्क था, ये था हमारा ड्रम चालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक।